नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आज का कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट और आज का राशिफल का अपडेट। जानेंगे कि आज सितारों के हिसाब से ज्योतिष के आधार पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार कैसा रह सकता है, एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज किन शेयरों में कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है, शेयर बाजार ओवरऑल कैसा रहेगा, कमोडिटी बाजार ओवरऑल कैसा रहेगा और आज आपके राशि के सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के राशिफल से और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमसीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस ग्लोबल डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से आज का ये शो प्रसारित किया जा रहा है। आज 24 जनवरी आज करेक्शन आज 25 जनवरी सन 2022 बहुत महत्वपूर्ण दिन आज के लिए। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको अग्रिम गणतंत्र दिवस के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र हमारा अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे, सभी जाति धर्म और के लोग शांति से देश तरक्की में लगातार जुड़े रहे, ऐसा हमारा मानना है। यही राजनेताओं के लिए भी संदेश है, यही हमारे दर्शक बंधुओं के लिए भी संदेश है, हमारे मित्रों के लिए संदेश है कि देश को आज मजबूत बनाना है, हमें एक साथ अपने तिरंगे झंडे के नीचे आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज का इसके एपिसोड में हम राशियों के आधार पर नफा नुकसान, कृषि जींसों के अंदर हलचल, शेयर बाजार के की उठाक पटाक और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या रहेगी हलचल, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद दिला दें, कल हमने आपको कपास खली के ऊपर बात की थी, जीरे पे बात की थी, धनिया पे बात की थी, सोने और चांदी पर बात की थी और शेयर बाजार पे बात की थी, जो कि पूरा अक्षर सत्य साबित हुई। कल शेयर बाजार के अंदर जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई, सोने के अंदर तेजी दर्ज हुई और कपास खली, जीरा और धनिया के ऊपर जो हमने आपको विश्लेषण दिया था वो सत्य साबित हुआ। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आज सबसे पहले राशिफल, आज 25 जनवरी सन 2022 अग्नि तत्व की तीन राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि आज मिश्रित फल की ओर इशारा कर रही हैं। 11 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, दिन आपके लिए शुभ और मंगलकारी रह सकता है। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि, मिश्रित रुख की इशारा कर रही है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, कितना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, पूछ लूं, इस तरह की बात दिमाग में और जहन में आ सकती है। 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 जी हाँ, दिल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आज दिन संभवतः माकूल नहीं है, उपयोगी नहीं है, शुभ नहीं है, सितारे पूरी मदद करने के लिए संभवतः आपकी मदद ना कर पाए, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में सबसे महत्वपूर्ण टाइम होगा, यदि आपने वहां बचाए तो आपको पूरे दिन बेहतर रह सकता है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजार तेज है या मंदे, सवाल यह है क्या आप कमा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि जल तत्व की राशियों का संबंध यदि पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ हो जाए तो वो बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। जल तत्व के जो कमोडिटीज हैं, जल तत्व का जो सेक्टर है, जल तत्व के जो लोग हैं, वो पृथ्वी तत्व के साथ बहुत खुश और बहुत शानदार तरीके से मुनाफा कमाते हैं। आपने देखा होगा कि जब माकूल आपका वातावरण होता है तो आप हर काम को एंजॉय करते हैं और काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आपके साथ नहीं कर रहा है और उससे संबंधित आप में रुचि नहीं है तो आप वो समय निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वही प्रॉफिट और लॉस का मेन गणित है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो ये तो हमने कर्नल अजय से जाना था आज का राशिफल, अब कर्नल अजय से जानेंगे आज का कमोडिटी बाजार का अपडेट। कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर कृषि फसलों की तो हम देख रहे हैं कि मसालों में एक अच्छी शानदार तेजी के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली बनती नजर आ रही है, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, देख रहे हैं कि तीनों ही मसालों में यहाँ से अब कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनना शुरू हो गई है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए अखिलेश जी, मैंने आपको चर्चा की थी कि मुझे आज धनिया के अंदर मुझे आज कमजोरी की संभावना नजर आती है धनिया के अंदर, क्योंकि ऊपर इस तरह शानदार मूवमेंट दिया है। यदि धनिया के भी हम थोड़ा सा भी इसको देख लें कि धनिया के जो ऑल टाइम हाई और लो हैं उसके अंदर
लगभग 90% की तेजी धनिया ने दिखाई है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कि धनिया के ऊपर है कि यदि हम धनिया देखें तो 13 जनवरी सन 2022 को धनिया 10,538 पे ट्रेड कर रहा था और 1 फरवरी सन 2021 को धनिया 6,054 रुपए पे था, यानी लगभग 85 से 90% की तेजी धनिया ने दिखाई। अब जब धनिया 10,538 पे ट्रेड कर रहा है तो की जो अभी आपको दिखाई इसने, तो अब ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली लाजमी है और धनिया के अंदर कल 10,124 के ऊपर बंद हुआ था और ये आज लो 9,974 रुपए के ऊपर इसका लो लगा है और अभी लगभग 10,090 के आसपास की ट्रेडिंग है इसकी और नेक्स्ट मंथ का देखें तो वहां पे 10,130 की ट्रेडिंग है। तो मुझे लगता है कि आज धनिया के अंदर कमजोरी रह सकती है क्योंकि सांस लेने के बाद सांस छोड़ना भी पड़ता है। धनिया बाउंस बैक करेगा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब करेगा इसका अब किसका भी खुलासा हम आने वाले शो में करेंगे, जब जब इसकी मजबूती जहां इसका बॉटम बन जाएगा वहां पर हम आपको कहेंगे कि यहां से धनिया बाउंस बैक फिर करेगा। गौरतलब है एस्ट्रो फाइनेंस और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है ये आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए कि हर गिरावट से पहले हम आपको आगाह करते हैं, हर तेजी से पहले आपको आगाह करते हैं। तो धनिया के अंदर अभी गिरावट की संभावना रहेगी लेकिन ये बहुत तेजी से बाउंस बैक भी करेगा, उसके लिए भी आप हमारे आगे के शो देखते रहें। जी अखिलेश जी, कर्नल जी, धनिया के साथ साथ देख रहे हैं कि जीरे में भी आज, कल को हमने देखा था कि 19,000 का लेवल जीरे ने टच कर दिया था, 19,000 के स्तर भी धनिया जीरे में देखने को मिल चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है अभी भी जीरे में भी, देख रहे हैं कि धनिया की तरह मुनाफा वसूली कुछ ना कुछ हावी होती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या जीरे में भी ऐसी कमजोरी बन जाएगी? देखिए जीरा के अंदर यदि हम इसके थोड़े से पिछला देख लें तो फरवरी के महीने में 2021 में 12,880 के ऊपर जीरा ट्रेड कर रहा था जो इस और जो और आज अभी इसी महीने जीरा ने सेकंड वीक के अंदर यानी 13 जनवरी सन 2022 को 18,635 का हाई लगाया है और यही मेरा कहना है कि जब 12,880 से 18,000 का जो सफर आया इसके अंदर भी लगभग 50% की एक तरफा तेज मतलब जो तेजी जो जीरे ने दिखाई, उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा और अभी भी ये जो जीरा जो 18,790 18,950 की जो करंट वायदा है 18,790 और नेक्स्ट का 18,950 का जो ट्रेड कर रहा है और मार्जिनल मंदी दिखा रहा है, तो यही चीज है कि इंटरडे के अंदर हो सकता जीरे के अंदर अभी भी थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है तो आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन जीरे के अंदर भी फंडामेंटल बहुत मजबूत है, इसके भी जब तेजी बनेगी तो उसको भी हम आपको अग्रिम देंगे अपने इंटरडे, क्योंकि हर दिन हम आपके साथ होते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटे कारोबारी हैं जो वो इंटरडे में काम करने वाले हैं वो इसको पूरा पूरा लाभ उठा लें और जो कारोबारी इसको स्टॉक करके रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए करना चाहते हैं उनके लिए भी हम एक विशेष शो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म अवधि और लॉन्ग टर्म अवधि दोनों की कारोबारियों का मेथड अलग होता है। लॉन्ग टर्म की अवधि के अंदर कमजोरी में खरीदा जाता है और उसी स्तर पे माल बेचा जाता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी तेजी मंदी करनी है जो भी 1%, 2%, 2.5% या 0.5% जो भी लेना है वो इंट्राडे के अंदर लेके निकल जाना चाहिए, और क्योंकि इसको ऐसा भी समझना चाहिए कि जब T20 मैच हो रहा है और एक टेस्ट मैच हो रहा है तो दोनों के अंदर तकनीक भी अलग होती है और रन बनाने की गति भी अलग होती है और उसके अंदर लंबी अवधि के जो टेस्ट मैच की जो ट्रेडर्स हैं वो T20 के अंदर कामयाब नहीं होंगे, जो T20 के एक ट्रेडर है वो टेस्ट मैच में वो खिलाड़ी कामयाब नहीं होते हैं, इसका भी एक विशेष बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर जो लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म का मतलब जो हाजिर में काम करते हैं फिजिकल ट्रेडिंग में करते हैं और माल स्टॉक लेके चलना चाहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर यानी एग्रो कमोडिटीज में बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और जो इंटरडे में काम करते हैं उन्हें लंबी समय की तेजी मंदी से कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो NCDEX में काम कर रहे हैं उनको अपना काम करना और लेके निकल जाना है, तो जब दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है जीरे के अंदर जो इंटरडे में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, गिरावट की संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी कन्हैया जी, ये से कन्हैया जी बात करें अगर बिनौला खल की कपास खली की,
तो कपास खली में हमने देखा था 3400 का लेवल देखने को मिला, फिर वहां पे 3300 के लेवल पर स्टक हो गया, 3300 पर एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया गया। अब देख रहे हैं कि 3300 से लुढ़ककर अब 3100 तक कारोबार करता नजर आ रहा है। 3100 के स्तर पर इस वक्त बिनौला खल टिका हुआ है, आपको क्या लग रहा है यहाँ से बिनौला खल में क्या अभी और कमजोरी बनेगी? देखिए बिनौला खल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको लगातार आपसे चर्चा भी की थी कि जब बिनौला खल तेज चल रही थी हम और हम एडवांस में आपको बोला था कि हमें खली अच्छी लग रही है क्योंकि कॉटन के भाव बहुत तेजी से बढ़े हैं। और कॉटन को देखो, यदि आप 25 जनवरी सन 2021 को जो कॉटन के जो भाव थे 20 जनवरी सन 2022 ये कॉटन के जो भाव 20 जनवरी जोन 2022 और 26 मार्च 2021 के यदि देखें तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि 26 मार्च सन 2021 को कॉटन के भाव 20,150 के थे और 20 जनवरी 2022 को 37,460 के भाव थे। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 80-90% की एक तरफा तेजी पूरे टाइम में रही, तो उसका उसका प्रभाव भी खली पर पड़ा, कपास खली पे कॉटन सीड ऑयल कैक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। अब पॉइंट यह है कि कुकड़ के अंदर जैसे देखें, यदि पूरा प्रेसाइज हम देख लें तो फरवरी सन 2021 में इसका भाव 2083 रुपए पे था और 7 जनवरी को इसी साल इसी कुछ दो सप्ताह पहले इसने 3440 का टॉप बना दिया था। तो 2083 से 3440 का यानी 3440 के जो भाव हैं लगभग 85-90% की जो ये तेजी है, इस तेजी के अंदर भी यदि कोई मुनाफा ना कमा पाए तो उससे उस एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो आपको याद होगा कि लगभग एक हफ्ते पहले डेढ़ हफ्ते पहले जब ये हाई बन गया था 3400 का जो 3440 का जो भाव का जो ये हाई बना था, उस वक्त आप याद कीजिए हमने ये कहा था ये जो भाव है इन भाव के ऊपर मैं मुनाफा वसूल करूंगा, यदि मेरे पास माल होगा तो मैं मुनाफा वसूल करूंगा। उसके बाद देख लीजिए कि लगभग 10% की लगभग गिरावट हो चुकी है, 8-10% की। तो सवाल यह है कि जब उच्चतम स्तर के ऊपर आप मुनाफा वसूल नहीं करेंगे, पेड़ के ऊपर यदि फल लगा हुआ है उसको तोड़ेंगे तो एक समय के बाद वो सूखने लगेगा और उसको पक्षी खाएंगे या फिर एक समय के बाद वो वृक्ष भी उसको ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा और बीज के रूप में काम आएगा। तो आपको ये है कि फल पकने का इंतजार के बाद में फल खा लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए या अपना मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। जो नहीं करेगा उसको परेशानियां होंगी। अब यही मैं धनिये के ऊपर आपसे मैं चर्चा कर रहा था, ये सेम चीज मैं कब खली के ऊपर बोल रहा हूं कि टाइमली यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। कपास खली के अंदर अभी भी कुछ परेशानियां आई मीन से कुछ मुनाफा वसूली होगी क्योंकि ये एक पका हुआ आम है तो इसको तोड़ना ही उचित है, यदि नहीं करोगे तो परेशानियां रहेंगी। लेकिन कपास खली के अंदर होगी बड़ी तेजी, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कब इसके लिए भी हम आपको जब तेजी होगी उससे पहले एग्जैक्ट आपको पहले हम लोग आपको आगाह करेंगे कि यहां से माल पकड़ लो, ये यहां तक इतना नीचे जा सकता है इसके बाद माल पकड़ लो। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कपास खली के अंदर आज कमजोरी देखी जा सकती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो हम देख रहे हैं कि सोना चांदी में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। हालांकि बीते दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि सोना चांदी में कुछ हल्की बढ़त भी देखने को मिली है। अब सोना चांदी आज देख रहे हैं कि कुछ बढ़त देखने को मिल रही है उनके अंदर, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, आपको क्या लगता है आज सोने चांदी में कैसा रुख रह सकता है? देखिए सोने के लिए मैं हमेशा एक चीज आप लोगों तक पहुंचाता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को, जियोपॉलिटिकल टेंशन और गोल्ड इसका चोली दामन का साथ है। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा, जैसे यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रशिया के बीच में बढ़ रहा है, सऊदीया के बीच में भी कुछ नजर आ रही है, तो उसका सीधा सीधा असर गोल्ड पे पड़ता है। इसके अलावा फेड रेट्स की जब भी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर के अंदर बदलाव की बात होगी उसका सीधा सीधा संबंध आपको गोल्ड के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड एक अनडिक्लेयर्ड करेंसी है। जब भी अनसर्टेनिटी होगी गोल्ड निवेशक गोल्ड की तरफ सुरक्षित निवेश की तरफ जाएंगे। और महत्वपूर्ण यह रहेगा कि 1838-1840 का जो डॉलर का जो एक रेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जब तक 1828 1825 के नीचे नहीं जाता है कि इसमें गोल्ड के अंदर मजबूती की संभावना नजर आती है। कल भी आपको याद होगा हमने आपको गोल्ड के अंदर और बुलियन के अंदर सोना चांदी में तेजी की बात कही थी। कल अच्छी मूवमेंट गोल्ड ने दी, सिल्वर ने भी अच्छी मूवमेंट दी और गौरतलब है कि ये बहुत तेजी से वॉलिटिलिटी के बावजूद भी ये मजबूती दिखाई। मुझे लगता है कि गोल्ड के जो कारोबारी हैं आज भी मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है और ये 1841-42 डॉलर से बढ़ के 1848 और 1850 या उससे ऊपर जाने की संभावना है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको 1832 या 1828 डॉलर के ऊपर इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यदि वो लंबी मतलब इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। जी अखिलेश जी, यहीं से कर्नल जी जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लग रहा है? शेयर बाजार देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को शेयर बाजार मिरर कहलाता है, मतलब मिरर स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द इकोनॉमी। यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है, उसकी इकोनॉमी को समझना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस देश के शेयर बाजार की तरफ आप देख लीजिए, आपको एक मिनट के अंदर उस देश की इकोनॉमी पता लग जाती है। जो भी तकलीफें आएंगी शेयर बाजार में सबसे पहले उसका असर आएगा और जहां भी आपको चुनौतियां मिलेंगी सबसे पहले वो चुनौतियां शेयर बाजार में देखने को मिलेगी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। अरे और यही हो रहा है कि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है। एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार अपना मुनाफा वसूल कर रहे हैं और उनका मुकाबला घरेलू यानी संस्थागत निवेशक नहीं कर पा रहे हैं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और HNI इंडिविजुअल्स भी अभी बाजारों में नहीं एक्टिव हो रहे हैं। अमूनन ये होता है कि साल के कैलेंडर ईयर के अंत में यानी दिसंबर महीने के अंदर ये अक्सर माना जाता है कि FI जो है विदेशी संस्थागत निवेशक और FI जो है वो छुट्टियों पे जाते हैं, इस वजह से मुनाफा वसूली होती है और वो जनवरी के सेकंड वीक के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर वापस आते हैं, उसके बाद में फ्रेश बाइंग होती है। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। उसकी वजह भी प्रमुख यही मानी जा रही है क्योंकि हमारे जो देश के जो वैल्यूएशन हैं स्टॉक के वो थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एनालिसिस के मुताबिक थोड़े से ओवर वैल्यूड हैं, जबकि बाकी जो दूसरी इकोनॉमीज हैं वहां पर अंडर वैल्यूड होने की वजह से वहां पर निवेशक थोड़ा सा अधिक रुझान दे रख रहे हैं। दूसरी बात इंटरेस्ट रेट जो है ब्याज दरों के अंदर अब धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसका भी असर शेयर बाजार की लिक्विडिटी पर तरलता के ऊपर पड़ रहा है और लेकिन मेरा एक मानना यह है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक इसको अवॉइड नहीं कर सकता है और अभी भारतीय रुपया अपने मल्टी वीक्स लो पे चल रहा है और तो यदि अभी यहाँ पे निवेश किया जाएगा तो रुपी वर्सेस डॉलर का भी फायदा मिलेगा, साथ साथ में जो अब बहुत आकर्षक वैल्यू पे आ चुके हैं शेयर्स उनके अंदर भी यदि निवेश किया जाए तो एक अच्छा मौका मिल सकता है। मेरी नजर रहेगी बैंक स्टॉक के ऊपर, आज मैं नजर रखूंगा SBI के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल इसके अंदर जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में डिलीवरी ली गई है और सरकारी क्षेत्र की जो बड़ी सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बजट बिल्कुल नजदीक है, सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स की बात होगी, किसानों की बात होगी, रियायतों की बात होगी और डेवलपमेंट की बात होगी और इसमें SBI का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। एक और महत्वपूर्ण ये बजट के मैं मार्केट टाइम्स TV के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और सरकार से अनुरोध है कृपया वो ब्रांडेड जो अनाज है या दालें हैं उसके ऊपर जो 5% का GST लगा हुआ है जो सन 2017 में लगाया गया था उसको हटाना चाहिए क्योंकि यदि खुले में बिकता है तो उसमें GST नहीं है और यदि ब्रांडेड पे होता है तो उसमें GST है। तो अधिकतर इससे क्या है कि हमारे जो अच्छे बड़े कारोबारी हैं उनको पूरा मौका नहीं मिलता और वो टैक्स चोरी के अंदर कह लें या खुले में माल बेचते हैं, तो यदि इसके ऊपर ये हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी मदद मिलेगी और इस हमारे किसानों को और हमारे कारोबारियों को फायदा मिलेगा क्योंकि अभी ये हो रहा है कि जरा सा भी कुछ होता है इंपोर्ट आता है और दूसरी चीज हम भारत जैसा देश जो एग्रीकल्चर में अग्रणी है उसका एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पाता है, खासकर ये दालों के लिए, दालें इसके अंदर शामिल रहती है। तो मेरा यही मार्केट टाइम्स TV के माध्यम से
सरकार को अनुरोध है कि ये 5% जीएसटी को हटाया जाए या 5% जीएसटी से इसको घटा के बिल्कुल मामूली कर दिया जाए। आपको गौरतलब होगा कि जो रत्न व्यवसाय है जो अरबों रुपए का होता है उसके अंदर लूज स्टोन्स के अंदर मात्र 0.25% का जीएसटी है, यानी 4.5% का जीएसटी है। यानी जो आप सोने चांदी के अंदर जो रत्न महंगे देखते हैं, हीरे पन्ने और ये सब कुछ, इसके ऊपर मात्र 0.25% की जीएसटी है। तो जब इसके ऊपर 0.25% की जीएसटी हो सकती है तो ब्रांडेड मसाला इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? तो इससे भी इसको प्रमोशन मिलेगा और कृषि उद्योग और इंडस्ट्रीज को इसमें बड़ा बढ़ावा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ऐसे मेरी कहना है। इसके अलावा जो एक और मेरी इल्तिजा सरकार से है वो है स्टॉक मार्केट के लिए जो उन्होंने एसएसटी लगाया हुआ है उसको भी इसमें कमी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट के तेजी नहीं बनेगी जब तक आप उसको रियायत नहीं दोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, ये सब चीज इतनी टैक्स इतनी ज्यादा है, इसको यदि सरल कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे जो मध्यम वर्गीय निवेशक है उसको राहत मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं उनको अलग सिस्टम चलता है, लेकिन जो मध्यम श्रेणी का जो निवेशक है जो 2-4-5 लाख का निवेश करना चाहता है, उसकी पूंजी ही 2-4-5 लाख है, तो उसको वो 25 तरह की इस तरह की चीजों में वो परेशान होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 50 लाख के टर्नओवर तक ये टैक्स, 5 करोड़ के टर्नओवर पे इतना टैक्स और 200 करोड़ के टर्नओवर, लेकिन जो यदि 25-50 लाख का ईयरली टर्नओवर कर रहा है मामूली सा, तो उसके ऊपर ये टैक्स घटना चाहिए, उस पर नहीं लगना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार कैसे रह सकते हैं और आज आपका राशिफल क्या कहता है। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।